फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको वेट होता है, यानी कि दिवाली आ गई। दिवाली में बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी सुपरमार्केट शॉपिंग एंड बहुत सारे ड्रेसेस, लैंप्स, लाइटिंग, घर की साफ सफाई, ये सब कुछ करना होता है। तो देखो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए। और आप सबको पता है शॉपिंग हमने ना डिवाइड करके रखी है। एक शॉपिंग होगी कैजुअल वेस्टर्न ड्रेसेस की, जिसमें पापा, मम्मी, मैं, चीकू, कृष्णा, हम सब लोग शॉपिंग करेंगे। एंड दूसरी शॉपिंग होगी दिवाली स्पेशल ड्रेसेस की शॉपिंग, डिजाइनर ड्रेसेस की शॉपिंग, जिसमें मैं और मम्मी हम दोनों ही शॉपिंग करेंगे। तो गाइस देखो, पापा है ना आ गया, अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं शॉपिंग मॉल शॉपिंग करने के लिए। सब लाइट वगैरह बंद कर दी है मैंने। टाटा जी, मैं तेरे लिए और कुछ के लिए ना कपड़े लेके आती, ठीक है? बाय। टाटा जी, चीको टाटा बोल रहा है मुझे। अभी जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, तब वो कुछ नहीं बोलता। आगे पापा। हाँ। आपको पता है अभी कहाँ जाना है? शॉपिंग मॉल लेके चलो। मालूम ना मेरे को। तो मेरा जो दिवाली का डिजाइनर ड्रेस होने वाला है, डिजाइनर लहंगा होने वाला है ना, वो तो मम्मी और मैं बाद में जाके लेके आने वाले हैं। अभी बस क्या क्या मतलब क्या? हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा कि आज अपन जो जा रहे हो, मतलब वो दिवाली की शॉपिंग करने ही जा रहे हैं ना, कपड़ों की। प्री दिवाली शॉपिंग के लिए जा रहे हैं अभी हम। अभी प्री क्या रहता अभी? पापा प्री मतलब अभी आपके लिए, मम्मी के लिए कपड़े ले लेंगे, उसके बाद में मेरे लिए है ना मॉल में से वेस्टर्न ड्रेस कुछ ले लेंगे, अच्छा लगा मुझे तो। और मेरा जो लहंगा है वो तो हम बाद में लेंगे, समझ गए आप? मतलब तुम डबल डबल कपड़े की शॉपिंग करने वाले? हाँ, तो उसी में तो मजा आएगा पापा। अभी ये प्री दिवाली शॉपिंग है ना गाइस, प्री दिवाली शॉपिंग भी करनी चाहिए सबने। मैं मम्मी से बात नहीं कर रही, झगड़े हो गए मम्मी के और मेरे। पापा हमारे झगड़े सॉल्व करके दो, कोई जरूरत नहीं। वो क्या मैच बीच का सॉल्व करने को? देखो गाइस, हम लोग आ गए हैं मॉल में। आज तो है ना हम फुल जम के शॉपिंग करने वाले हैं। पापा गए उधर पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए। चलो, हाँ पापा को आ जाने दो, फिर हम लोग चलते हैं अंदर। पापा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये प्री दिवाली शॉपिंग है, पापा को कौन समझाएगा। तुम्हाला रोज म्हणते मला भेटायचंय भेटायचंय। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा यूनिक यूनिक ड्रेसेस टॉप्स हम इस बार लेने वाले हैं। पापा पापा बिचारे अभी से बोर हो रहे हैं क्या? अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है, ये देखो। ये बैठने के लिए कुर्सी क्यों नहीं रखते रे? साहब क्या आपका क्या मानना है, अभी आप जाके सीधा बैठ जाओगे? हाँ ना, तो क्या घूम के क्या करूँ, उधर खड़े रह के क्या करूँ? ठीक है, देखो उधर, वाओ दिखा, बेल बॉटम टाइप है ना, बेल बॉटम टाइप है ये वाली, लेगिंग्स बोलते हैं इसको, लेकिन ये ब्लू कलर में मुझे नहीं अच्छी लग रही इतनी। वाओ ये पर्पल वाला वन पीस भी अच्छा है, आई पर्पल यू मम्मी। ये इसमें ये वाला कलर भी है, देखो इसको कौन सा कलर बोलते हैं, सेम पर्पल की जैसी ग्रे कलर भी है, इसमें ब्लैक भी है और ये वाइट वाला भी है। अब सबको पता है ब्लैक एंड वाइट, मेरे पास इतने सारे ड्रेसेस हो गए ना, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक एंड वाइट नहीं लेती हूँ, दूसरा कोई देखती हूँ। ओह इधर की साइड देखो, विंटर वाले भी आ गए कपड़े यहाँ पे, ऐसे स्वेटर है ये तो, स्वेटर टाइप में। वो एक ब्लैक वाला वन पीस ही अच्छा लग रहा था जो मैंने स्टार्टिंग में देखा था एक बार, आई थिंक मुझे वही ट्राई कर लेना चाहिए, वो ट्राई करके देखती हूँ। ये वाला कैसे है?
नहीं अच्छा लग रहा मुझे कुछ भी। वाओ दिखाओ, ये टॉप कितना सही लग रहा है ना, देखो। एक सेकेंड ना, यहाँ पे भी लगा हुआ है, मैं दिखाती हूँ उसका लुक कैसे है टॉप का। ये देखो, ये टॉप का लुक है ना, कुछ ऐसे आ रहा है, कुछ यूनिक लुक लग रहा है ना, देखते हैं मुझे लेना चाहिए क्या वो। वाओ ये देखो ना, ये ब्लू वाला बॉडीकॉन ड्रेस कितना अच्छा है। सी ये देखो, ये ब्लू वाला बॉडीकॉन ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट एक बार ट्राई कर लेती हूँ। मम्मा सारे ब्लैक ड्रेसेस ही निकाल रही है, ये देखो। तो पहले ही मैंने आज प्रण लिया है कि मैं ब्लैक और व्हाइट कलर में ज्यादा नहीं लूंगी ड्रेसेस। ये देखो, ये व्हाइट वाला ड्रेस कैसे लग रहा है, ये मैं ट्राई करके ही आ जाती हूँ। तो मैंने ना कुछ ड्रेसेस लाए ट्रायल करने के लिए, देखते हैं इनमें से मुझे कौन सा वाला ड्रेस अच्छा लगता है। तो ये ब्लू वाला जो वन पीस है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला वन पीस तो मैं लेने ही वाली हूँ। अभी मैं ना दूसरा वाला कोई ट्राई करके देखती हूँ। आई थिंक मुझे ब्लैक वाला वन पीस ट्राई करके देखना चाहिए। ये ले, कौन से लिया तूने? ये वाले। हाँ, ऐसा फटाफट लेने का, ये देख। ज्यादा टाइम पास नहीं करने का, नहीं तो तुम क्या है, तुमको 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। जाओ फटाफट, शाबाश। क्या है, मैं फटाफट शॉपिंग करा के दे दूंगा ना, नहीं तो वो टाइम पास करते रहेंगे। क्यों? हमारे चिकू बेबी के लिए भी लेना पड़ेगा कुछ अच्छा। ये ऐसा डायनासोर अच्छा दिख रहा है, ये ले लेंगे, अच्छा दिख रहा है। ये एक ले लेंगे, पकड़। थैली ले लेंगे, अरे कुछ थैली भी जरूरत नहीं है। ये ड्रेसेस शूट पे बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, और मेरे पास वन पीस ड्रेसेस का बहुत कलेक्शन है। कमेंट करके बताना अगर आपको देखना हो तो। सो बताओ आपको ये वन पीस कैसे लगा? ये ब्लैक वाला भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। सी कितना सुंदर लग रहा है मुझ पर। ब्लैक वाला वन पीस मुझे अच्छा लग रहा है। अभी है ना, ये व्हाइट वाला एक वन पीस ट्राई करके देखते हैं, फिर उसके बाद में ना टॉप से है मेरे पास ट्राई करने के लिए। जैसे ये वाला हो गया, ये बेबी पिंक टॉप, ये सब टॉप ट्राई करेंगे फिर। मुझे ये व्हाइट वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है वन पीस। आई नो मैं ना सारे वन पीस पसंद कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, ये है ही इतने अच्छे। सी कितना अच्छा लग रहा है ये वन पीस। अभी है ना टॉप्स ट्राई करते हैं, ठीक है? देखो मैंने ना ये टॉप ट्राई किया है, डिसेंट अच्छा लग रहा है ना ये। बताओ यार, मुझे ना बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि मुझे सभी कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ये टॉप का है ना, मम्मी से एक बार पूछ लेते हैं उनको कैसे लग रहा है। देखो नेक्स्ट है ये वाला टॉप। ये टॉप भी मुझे ना अच्छा लग रहा है, एक बार आप सब लोग भी देखो, डिसेंट लग रहा है, एकदम अच्छा लुक आ रहा है इसका। क्योंकि क्या है यार, अभी है ना मेरे पास टॉप्स की हो गई है बहुत ज्यादा कमी, इसलिए है ना मुझे टॉप्स बहुत सारे लेने। जीन्स एक दो या फिर लेगिंग्स में कम लूंगी, लेकिन टॉप्स बहुत सारे लेने, इसलिए ये वाला टॉपिक फाइनल करते हैं। ये जो मैंने पहना है, ये वाला टॉपिक फाइनल करते हैं। और ये तीन वन पीस तो फाइनल हो गया है, अभी ये जो टॉप्स है ना, ये भी ट्राई करती हूँ। ये देखो, ये पिंक वाला टॉप भी कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे बड़ा क्यूट लग रहा है ये पिंक वाला टॉप। डिजाइन भी थोड़ी सी अलग है, बताओ कैसे लग रहा है। ये सिर्फ वीडियोस में और या फिर वीडियो बनाते हुए पहनने के लिए अच्छा लग रहा है ना। देखो ये वीडियोस वगैरह में पहनने के लिए अच्छा टॉप है ना। अच्छा है, तो पापा मना करेंगे। तो पापा को कौन बताएगा? अच्छा लग रहा है, पापा को दिखाती क्या? ठीक है चलेगा, अगर देखो अच्छा लग रहा है तो ले ले। हाँ दादू की लिपस्टिक पूछो पहले। हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है। देखो मैंने क्या डिसाइड किया है ना, ये तीनों वन पीस मुझे अच्छे लग रहे हैं। देखो
लेना। हाँ ये तीनों वन पीस और जितने भी आपने टॉप्स लाए थे ना वो सारे लेने हैं, क्योंकि आपको पता है ना टॉप्स की कमी हो गई है। ये और लेके आए हो आप? चलो पापा को बताते हैं, पापा आ गए। नहीं बोल रहे, पापा के मन में ना चल रहा है। नहीं ना पापा, मेरे को लेना है ना, कितना अच्छा है देखो, है ना? नहीं बोल रहे पापा। क्या बोल रहे? मैं बोल रही हूँ ना, ले ले तो ले ले, अच्छा लग रहा है। माँ ने बोल दिया ना तो पापा भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लैक वाला भी पहन के देख। देखो सेम ही उसी के जैसा ना, ब्लैक कलर में भी है। ये ब्लैक वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये पहले जो मैंने पहना था वो अच्छा लग रहा है। बताओ तो मुझे, तो दोनों अच्छे लग रहे हैं। देखो वाओ, ये तो और अच्छा लग रहा है। अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा है। माँ से आपको कुछ कहना है कि नहीं? सिर्फ आए हो आप? ये ब्लैक वाला ज्यादा अच्छा है। ब्लैक वाला ज्यादा अच्छा है? ज्यादा अच्छा है। ये दोनों का मानना है कि ब्लैक अच्छा लग रहा है, बट मुझे है ना दोनों अच्छे लग रहे हैं, दोनों ले ले। ये देखो, ये और एक वन पीस मैंने ट्राई किया है, बट इसका कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, बहुत डल डल कलर लग रहा है। आपको कैसा लगा वहाँ सीमा? नहीं मेरे को नहीं अच्छा लगा। नहीं ना, नहीं मेरे को भी नहीं इतना अच्छा लग रहा। ठीक है, दूसरा कोई है तो ट्राई करते हैं, वरना तो सारे कपड़े ट्राई कर लिया मैंने। अरे उसके लिए दूसरा ले लेंगे, देख पहन के अच्छा लग रहा तो ले दे उसको। ले लेना। हाँ तो पहन के देख रही हो ना पापा? पापा मेरे लिए यहाँ पे शूज देख रहे हैं, तो एक बार इसको पहन के देख लेते हैं। तो देखो ये जो शूज है ना, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, कहीं पहनने के लिए अच्छा है ना। वैसे भी अभी मेरे पास शूज जो है ना वो खत्म हो गया और एकदम है ना खराब हो गया, तो ले ही लेते हैं। मम्मी ये वाली सैंडल देखो कितनी अच्छी है लेने की, कितनी सही लग रही है ना। आपके लिए बोल रही हूँ मैं। नहीं मुझे नहीं। वाओ मैचिंग क्लचर पसंद है। अभी गए पापा बिलिंग काउंटर बिल करने के लिए, मुझे नहीं पता यार कितने का बिल बनने वाला है, देखते हैं। बताओ मेरे को कितने का बिल बनता है। ठीक है गिनने देना अभी। तो मैं और मासी हम दोनों यहाँ पे ना रिंग्स देख रहे, दिखाओ ये आ जाएगी। आई थिंक ये फ्री साइज है क्या? ये देखो ये रिंग्स कितने अच्छे, 699 रहने दो, 699 का ये एक पैकेट ले ले, कुछ नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, 700 रुपए कौन डालेगा ये रिंग में, मम्मी मेरे को मारेगी। लू चांदी के रिंग आ जाएंगे उतने में। वही तो चांदी की ले लूं मैं इससे अच्छा। छोड़ो नहीं लेने का मेरे को, 699 कौन देगा इसके लिए। कितने का हुआ बिल? टेंशन बढ़ रहा है इधर हमारा, बाप रे 15,000 बिल हो गया है। अभी तुमको ये दिवाली का ड्रेस नहीं होगा इसमें एक भी, है ना? नहीं। अभी दिवाली का स्पेशल ड्रेस ही 15,000 का हो जाएगा, है ना? यस पापा। 15,000 नहीं बोल सकते, 10-11,000, क्योंकि ये सारे वेस्टर्न वेयर्स है ना, ये थोड़ी ना दिवाली में पहनेंगे हम। क्यों लिए फिर ये? तो ये आज शॉपिंग करने के लिए लिए, प्री दिवाली शॉपिंग। पापा आ जाओ आप वो सब लेके। अम्मी आपको पता है बिल कितना हुआ है? 15,000। ठीक है ना, होने दो ना, दिवाली की शॉपिंग है ना। हाँ तो वो पापा मेरे को वही बता रहे थे कि इसमें से कौन सा वाला ड्रेस दिवाली में पहनने वाला है। ब्लाउज अच्छा लग रहा है? नहीं। हाँ वाओ, उसको क्या बोलते हैं? एयरिंग्स से देख रहे हो कितने अच्छे एयरिंग्स है। चलो अभी डायरेक्ट घर पे निकलने का है ना। हाँ। नहीं दूसरे वक्त पैंटालून में चलना है क्या? हाँ चलो ना, एक बार पैंटालून में चक्कर मार के आएंगे, वहाँ पे अगर कुछ पसंद आता है तो वहाँ से भी कुछ लेंगे ना, थोड़ा बहुत, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो H&M से शॉपिंग करने के बाद में अभी हम लोग जा रहे हैं पैंटालून में, फटाफट चल के अंदर देखते हैं कुछ नया कलेक्शन आया कि यहाँ। हाँ आ जाओ आ जाओ। आपके चैनल का नाम क्या है? बिंदास काव्य, बिंदास काव्य। बाय बाय बाय। कितना क्यूट है। देखो ये गर्ल्स का सेक्शन है, कितना क्यूट है ये। देखो इधर सब पिंक वाइट ही है। हाँ ले लो आपके लिए यार, सबसे क्यूट है ना ये, छोटी लड़कियों के ड्रेसेस ही होते हैं। देखो ये देखो यहाँ पे टॉप्स है, लेकिन टॉप्स अभी नहीं लेते हैं, अभी हम है ना जीन्स लेते हैं, क्योंकि टॉप्स हमने H&M में बहुत सारे ले लिए, ज्यादा भी ऐसा फटा हुआ नहीं चाहिए, थोड़ा डिजाइन के लिए ठीक है, और ब्लैक कलर में भी एक चाहिए। ये वाला बता। नहीं ऐसे नहीं चाहिए, ब्लैक में है, फुल प्लेन ब्लैक में चाहिए फिर मुझे। ये यहाँ पर देखो ये
ब्लैक कलर वाली जीन्स कैसी है इसको हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। ये लाइट वाली जीन्स भी कितनी अच्छी लग रही है, ये भी एक बार ट्राई करके देखते हैं हम, ब्लैक और ये लाइट ब्लू, और ठीक है चलेगा, मम्मी बोल रही है तो ये वाला एक जीन्स ट्राई करते हैं। मैं ना इतने जीन्स ट्राई करके देखती हूँ मुझे कौन सी वाली जीन्स अच्छी लगती है। लास्ट टाइम भी मैं लेके गई थी लेकिन उसको बहुत दिन हो गए ना। देखो ये ब्लैक वाली जीन्स मैंने पहले ट्राई की है, कितनी अच्छी लग रही है ना ये। चलो मम्मी को भी दिखा दे। क्या है मम्मी ये देखो, मैंने बोला था थोड़ी लूज लग रही है। बताना यार ये वाली जीन्स कैसी लग रही है, मैं एक बार मम्मी को दिखाती हूँ, मुझे खास नहीं लग रही लेकिन ठीक है देखते हैं मम्मी का ओपिनियन जानते हैं। ये वाली जीन्स देखो, नींद आ रही है मम्मी को यार। ये एक लास्ट जीन्स मैंने ट्राई करके देख ली क्योंकि मुझे जीन्स बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही। देखो अच्छी लगी आपको ये? हाँ। थोड़ा फिटिंग कर लेंगे ना। चलो ठीक है चलेगा। चलो तो ये तीनों जीन्स में से ना मुझे एक ही जीन्स अच्छी लगी है, वो लाइट ब्लू वाली, तो यही ले लेते हैं। लेट्स गो। तो पापा है ना उनके कलीग को भी कपड़े दिला रहे हैं मेंस सेक्शन में, चलो देखते हैं। मैं पापा को भी एक आधा टी शर्ट दिलाती हूँ, मैं बोलती हूँ पापा को फोर्स करके कि आप भी अपने लिए कुछ ले लो। अपने लिए भी कुछ लो ना। नहीं नहीं, तो मैं ना अपने कृष्णा भाई के लिए ना कुछ लेने आई हूँ बॉयज सेक्शन में। यार यहाँ पे कितने सारे कपड़े, अब कौन सा वाला ले? ऐसे टी शर्ट टाइप में उसको अच्छे लगते, दूसरा तो वो कुछ पहनता ही नहीं है। कृष्णा को? उसके लिए भी लेंगे। हाँ ठीक है, बस बस मैं कितने भी अच्छे कपड़े लूँ उसको है ना टी शर्ट और वो पैंट ही चाहिए, ऐसे नॉर्मल कंफर्टेबल कपड़े पहनता है वो। देखिए चीकू की दीवानी है, बोले चीकू की ले लो तो अच्छा लगेगा ना उसको। हाँ, आपको बड़ी चॉइस पता है चीकू की। हाँ अच्छा है, आप ट्राई करके आओ ना। हाँ ऐसे अच्छे लगते है, ऐसे टी शर्ट दिखाओ शॉर्ट अच्छा लगेगा, एक बार ट्राई करके आ जाओ। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हैंडसम पप्पा लग रहे हैं, पसंद आया पप्पा? हाँ मेरे को अच्छा लगा। तो हम आए मेन सेक्शन में मामा के लिए भी ड्रेसेस लेने के लिए, शर्ट लेने के लिए। पप्पा ने जैसे शर्ट लिया है ना वैसे ही हम मामा के लिए भी ले रहे हैं। ये देखो विंटर के लिए मुझे एक कैप लेनी चाहिए क्या? कितनी क्यूट लग रही है ना, अच्छी लग रही है कैप, कलर भी एकदम अच्छा है ना। लेकिन मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो आप मुझे ऐसे कैप पहना पहना के दिखा रहे हो? अच्छी लग रही है ये वाली लू, ये वाली लू गाइस बताओ। सभी अच्छा लग रहा है, ये वाली अच्छी है वो अच्छी है, ये वाली ले लेते। बताओ पापा क्या क्या लिया आपने? अरे मैंने एक शर्ट लिया और बस। एक शर्ट लिया आपने, फिर क्या? तो ये थी हमारी दिवाली के लिए न्यू ड्रेसेस की शॉपिंग। और अभी दिवाली स्पेशल सुपरमार्केट शॉपिंग वीडियो चाहिए? एंड अभी दिवाली स्पेशल हैवी ड्रेसेस भी तो लेना है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।